हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 16 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सबसे पहले है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने सुबह डिड्यू नोटिस में भी इसका जिक्र किया था। तो ये बेसिकली है क्या, एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। जो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट्स होती हैं उनको ट्रैक करना है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है, अकाउंटिंग करनी है या फिर रिपोर्टिंग करनी है, तो उन सब चीज़ों का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये। एंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया था सभी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के अंडर आती हैं वो भी इसमें शामिल हैं। एंड ये एक फैसिलिटेट करता है कि जस्ट इन टाइम रिलीजेस एंड मॉनिटर कर सकें हम जो यूजेज ऑफ फंड्स हैं, इंक्लूडिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स अल्टीमेट यूटिलाइजेशन। तो जो फंड्स रिलीज हुए थे, कब रिलीज हुए, कब कहाँ तक पहुँचे एंड कब कैसे उनकी यूटिलाइजेशन हुई, तो वो पूरी डिटेल हमें मिलती है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक एक गवर्नमेंट का बढ़ता कदम मान सकते हैं। आगे हमारे पास है उड़ान स्कीम। तो दो दिन पहले भी हमने उड़ान 1, 2, 3 टाइप स्कीम्स देखी थी, तो वो सिविल एविएशन सेक्टर से रिलेटेड थी। एंड ये जो डबल ए वाली स्कीम है, दिस इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव था जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए था। एंड इसमें बेसिकली था क्या, पार्टनरशिप थी बिटवीन द कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर चली गई, लेकिन जो इनिशियली जब स्टार्ट हुई थी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर था। एंड इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रही है इसको इम्प्लीमेंट, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है जी। एंड इसकी जो एम है वो है स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी को एनहेंस करना अमंग द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ताकि जो उनको जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को हम इन द वाइडर एम्ब्रेस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी ले सकें। एंड ये कवर करती है ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट एंड जो 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन सबको। एंड इसकी जो फॉर्मेशन थी, स्कीम का कमिंग इनटू बीइंग कैसे हुआ, रंगराजन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ऐसी एक स्कीम हमें लेकर आनी चाहिए। एंड इन अ वे ये कर रही है कैपेसिटी बिल्डिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। तो बाई मेकिंग द यूथ एम्प्लॉयबल, तो एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर आती है अब ये, स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर थी। आगे हमारे पास GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो जो हमारा GST है उसके अंडर एक कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन है किन लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री ट्रेस कर लेते हैं कि ऐसी कॉम्पोजिशन स्कीम आई क्यों। तो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थी या जो स्टार्टअप्स थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि जो एक्सपर्टीज चाहिए एंड रिसोर्सेज चाहिए GST के लिए उसको फैसिलिटेट कर सके, GST से कंप्लाई कर सके या उनके जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए एक कॉम्पोजिशन स्कीम लेके आई गवर्नमेंट, ताकि उनके ऊपर जो कंप्लायंस बर्डन है वो हम कम कर सकें। एंड इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे जब ये स्कीम आई थी कॉम्पोजिशन स्कीम GST में, तो तब ये सिर्फ जो है गुड सप्लायर्स के लिए ही अवेलेबल थी ये स्कीम का ऑप्शन। लेकिन उसके बाद फिर सर्विस प्रोवाइडर्स को रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करके सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल एज जो सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दोनों को ही इसमें इंक्लूड कर लिया, बट एक टर्न अपर लिमिट रखती ₹50 लाख तक की। तो उन लोगों को एलिजिबल कर दिया इस स्कीम के अंडर। एंड जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स थे पहले, वो अप्लाई कर सकते थे इस स्कीम के अंडर। तो 1% का जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर दे हैव टू पे द टैक्स, एंड जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनके लिए 5% था। ठीक है जी। तो इसके बाद जो बिजनेसेस इन्वॉल्व्ड हैं, सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई में, एक स्टेट में ही जिनके गुड्स, अब तो सर्विसेज भी, लेकिन 50 लाख से नीचे तक जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू ₹50 लाख, वो अब एलिजिबल हैं इस स्कीम को का लाभ उठाने के लिए। एंड जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो बार्ड हैं, वो इस स्कीम के अंडर रजिस्टर नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, एक ही कंपनी के नीचे जो वेरियस अलग अलग शाखाएं हैं,
तो ऐसा नहीं कि अगर आपने एक पैन नंबर के साथ एक एक चीज़ के लिए कंपोजिशन स्कीम हायर कर ली तो दूसरे में आप टैक्सेस पे कर देंगे, तो वो पूरा जो बिज़नेस वर्टिकल है वो सब फिर कंपोजिशन स्कीम के अंडर ही आना चाहिए। एंड जो डीलर्स हैं वो कंपोजिशन टैक्स नहीं ले सकते फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाइज, एंड ना ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है कि सपोजिटली आप एक कंपनी हैं, आप कुछ चीज़ें बनाते हैं, लेकिन उस चीज़ को बनाने के लिए आपको कुछ और सामान लगता है। सपोज़ कीजिए कि मैं डोज बनाता हूँ, एंड क्योंकि डोज का जो लकड़ी का पार्ट है वो तो मैं खुद बना दूंगा, लेकिन उसमें जो लॉक लगता है वो मैं कहीं और से प्रोक्योर करता हूँ। तो जो लॉक खरीदने के लिए जो मैंने टैक्स दिया होगा वो अब लॉक बन गया मेरे इनपुट का पार्ट, क्योंकि वो डोर में लगना है, तो मेरा फिनिश प्रोडक्ट डोर प्लस लॉक आएगा। लेकिन लॉक को खरीदने के लिए ऑलरेडी जो मैं टैक्स दे चुका हूँ, अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंडर आऊँगा तो मुझे वो जो भी टैक्स मैंने लॉक को खरीदने के लिए दिया होगा किसी को, वो मुझे वापस दे देगी सरकार। तो ये मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑलरेडी ही बहुत कम रेट पर चार्ज कर रही है जो है टैक्स हमारा, ठीक है जी। एंड रिसेंटली ही हमारा जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस बढ़ा दी, जैसे कि जो जीएसटी एग्जेम्पशन लिमिट है वो अब 20 लाख कर दी, पहले ₹10 लाख थी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड 40 लाख कर दी फ्रॉम 20 लाख फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो एक तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया जो एग्जेम्पशन लिमिट है जीएसटी की, एंड जो आपका एनुअल टर्नओवर था फॉर अवेलिंग जो कंपोजिशन स्कीम, अब वो इंक्रीज़ कर दिया है ₹1.5 करोड़ फ्रॉम 1 करोड़। तो इसमें भी इजाफा कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो आई होप आपको जो ब्रॉडर चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी कि अब कुछ चेंजेस करके गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज अप टू अ टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख इसको एलिजिबल कर दिया है कंपोजिशन स्कीम में, पहले सर्विसेज एलिजिबल नहीं थी, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको असर ऐसे रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो एक एनजीओ है प्रथम, वो रिलीज़ करते हैं एनुअली, एंड ये हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है जो कि ऑफ चिल्ड्रन स्कूलिंग एंड लर्निंग स्टेटस। तो दो अलग अलग चीज़ों ने डिफाइन कर रहा है, स्कूलिंग अलग चीज़ है, लर्निंग अलग चीज़ है। तो इसलिए ये स्कूल बेस्ड नहीं है, हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है कि जो भी इस एज ब्रैकेट में बच्चे आएंगे 3 to 16 एंड 5 to 16, इनको रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकी लर्निंग आउटकम्स को। तो स्कूलिंग स्टेटस हम देखते हैं 3 to 16 ईयर्स वाले बच्चों का, एंड जो 5 to 16 ईयर्स के किड्स हैं उनको हम टेस्ट करते हैं कि उनकी एबिलिटी कैसी है टू रीड सिंपल टेक्स्ट एंड जो बेसिक मैथ है, क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एंड जो असर है ये रूरल सर्वे है, अर्बन एरियाज़ इसमें कवर नहीं होते, तो ये रूरल हाउस होल्ड सर्वे है। एंड जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, इसको गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी इसके अकॉर्डिंग ही जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको जज करके अकॉर्डिंगली अपने स्टेप्स प्लान करती हैं। एंड काफ़ी रिनाउंड ये जो रिनाउंड ये रिपोर्ट है काफ़ी मानी जाती है, एंड यू कैन ऑलवेज कोट द आउटकम्स फ्रॉम दिस रिपोर्ट इन योर आंसर्स एज एसे एज वेल। इसके बाद हमारे पास लास्ट है कॉन्जेनिटल सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, तो इसको ऑनडाइन्स कर्स भी बोलते हैं। तो ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, एंड इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट है वो सोते समय सांस लेना भूल जाता है, एंड इस कारण जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है उससे उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो जाता है बॉडी में। एंड ये म्यूटेशन ऑफ जीन के कारण भी हो सकती है, जिसमें क्या है जो हमारी नर्व सेल्स को मेच्योर करने के लिए जो जीन क्रूशियल था वो मिसिंग है। इज नॉट द राइट वर्ड, इट इज इट गेट्स म्यूटेटेड, एंड फिर जो नर्व सेल्स हैं वो जो रिस्पॉन्सिबल हैं टू कॉज CCHS वो मेच्योर नहीं हो पाते, एंड इट कैन बी कैन ऑल्सो भी जेनेटिकली एक्वायर्ड। तो जीन्स कॉन्जेनिटल बाय बर्थ भी हो सकती है बाय पैसेज ऑफ जीन्स, या फिर आप एक्वायर भी कर सकते हैं इसको। तो जो 90% केसेस आते हैं CCHS के वो एक्वायर्ड से आते हैं, वो जो 10% केसेस बचते हैं दोज आर द वंस दैट आर जेनेटिकली एक्वायर्ड। तो ये काफ़ी कॉन्ट्ररी सी बात है, लेकिन ये जो रिसर्च हमें यही बता रही है। एंड ये सडन म्यूटेशन है
इज मोर कॉमन. तो हम सडन म्यूटेशन इज द थिंग दैट द पर्सन गेट्स द पर्सन एक्वायर्स एंड जेनेटिकली इज द वन जो ट्रांसमिटेड है. तो सडन म्यूटेशन इनफैक्ट ज़्यादा कॉमन है. जैसे मैंने आपको बताया 90% केसेस में सडन म्यूटेशन ही होती है एंड रादर देन द ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेटेड जीन फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड. तो इसके बारे में हमने बात कर ली. एंड ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत रेयर डिजीज़ है. तो इससे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि कॉमन डिजीज़, इट इज़ नॉट कॉमन, इट इज़ वेरी रेयर. इनफैक्ट ओनली 1000 केसेस हैव कम सो फार वर्ल्ड वाइड. तो सिर्फ 1000 लोग ही इससे ग्रस्त हुए हैं अब तक पूरे विश्व में. तो दिस इज़ वेरी रेयर डिजीज़ लेकिन येट कैन बी फेटल. एंड दो सफरिंग कैन लूज देयर लाइफ इफ दे फॉल इंटू डीप स्लीप. तो अगर आप ज़्यादा गहरी नींद में चले गए एंड यू कैन फॉरगेट टू ब्रीथ, तो इससे आपकी डेथ हो सकती है. एंड जो एडल्ट हैं उनमें ये ज़्यादा जो प्रेजेंट हो उनमें ये डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉन्जेनिटल जो बाय बर्थ प्रेजेंटेशन है उनसे. एंड अपार्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से अलावा भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट. तो हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड नहीं रहता, बढ़ता कम होता रहता है. एंड काफ़ी ज़्यादा पसीने आते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या फिर फील नहीं कर सकते आप पेन को. तो ये कुछ और इसके सिम्टम्स हैं. एंड जो इसकी ट्रीटमेंट है, क्लॉथी ट्रीटमेंट क्या है कि आपको डायफ्राम पेसमेकर लगा दिया जाता है जिसके थ्रू के आप रेगुलरली ब्रीद करते रहेंगे एंड जो आपकी ये रेगुलेशन है हार्ट रेट की, ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी. एंड यूजुअली ऐसा पाया गया है कि जो लोग इसका यूज़ कर रहे हैं दे कैन लिव अप टू 30 या 40 ईयर्स एंड इन सम केसेस अप टू 60 ईयर्स एज वेल. तो काफ़ी रेयर केसेस हैं. एंड इंडिया में रिसेंटली ही एक बच्चे को एक बच्चा है जो इससे सफ़र कर रहा है. तो इसलिए ये जो डिसीज़ है, ये सिंड्रोम जो है, ये न्यूज़ में था. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अब मिलते हैं कल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.